पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहाँ पे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। पापा एक्चुअली सुबह को ना, सुबह सुबह मैं बाथरूम में जाता हूँ ना, तभी सोचूं उठने से पहले हमेशा बाथरूम क्यों भागता है तू। पापा सुनो ना। ओके। जब मैं बैठता हूँ, ओके, मेरे अंदर से ओके उड़ के हाँ जज्बा बाहर आता है पापा की मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शादी के बाद क्या होता है? तलाक। इतना आगे कहाँ पहुंच रहा है भाई? तलाक के पहले क्या होता है? लफड़ा। लफड़े के पहले क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग के पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, जो मिस होने वाली है। मेरे साइकोलॉजिस्ट की औलाद, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने अगर इतना सोचा होता तो तू ही नहीं होता आज। शादी के इमीडिएटली बाद क्या होता है? रिसेप्शन। रिसेप्शन, रिसेप्शन, रिसेप्शन के बाद क्या होता है? विदाई। मैं विदाई की नहीं, मैं जाने दे, जाने देता। विदाई के बाद क्या होता है? हिसाब किताब, किसने कितना खाया, फूफे ने कितना दारू पिया, कौन बदतमीज लिफाफा खाली देके गया। इन हिसाब किताब के बाद जब एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है? चिल्लाने की आवाज आती है। क्यों आती है? क्या पापा, अब ये बताने की कोशिश करो इतनी देर से, आप सीधा सीधा बोलो ना, मेरे को इसके बारे में अच्छे से पता है। थैंक गॉड तू समझा, मेरी हालत खराब हो गई बेटा, समझा समझा के। शादी के बाद लड़की मेरे साथ कमरे में अकेली है तो पापा चिल्लाएगी ना, और चिल्ला चिल्ला के रोएगी ना बेचारी। पापा अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में शादी करके आएगी, अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी, अकेले मेरे साथ रूम में बैठेगी। अब भला जब मम्मी अपने मायके में जाती है आपको रोना नहीं आता है? अरे जब वो तेरी माँ मायके नहीं जाती है तब रोना आता है। क्या बोला? हाँ ये बराबर सुनाई दिया तेरे को। हाँ आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद किधर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून।